नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मेघा शर्मा, आपके एजुकेटर, और आप देख रहे हैं पिनाकल करियर इंस्टीट्यूट का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज है हमारा एमपी स्पेशल का सेशन नंबर 4। तो गाइज, वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर फर्स्ट क्वेश्चन, एंड द क्वेश्चन इज दैट मुख्यमंत्री कौशल्या योजना का संबंध किससे है। जी हाँ, ध्यान से देखिए, मुख्यमंत्री कौशल्या, इट्स कौशल्या, ओके, नॉट कौशल। तो मुख्यमंत्री कौशल्या योजना का संबंध किससे है, तो इसका आंसर होगा नक्सली परिवार की महिलाओं को कौशल दक्ष करने से, उनके स्किल एनहांसमेंट, उनके स्किल डेवलपमेंट को करने से। तो आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश सरकार ने नक्सली महिलाओं के डेवलपमेंट के लिए, उनके स्किल एनहांसमेंट के लिए कौन सी योजना शुरू की है। तो आप आंसर लगाइएगा मुख्यमंत्री कौशल्या योजना, यानी मुख्यमंत्री कौशल्या योजना, याद रखिए, किससे संबंधित है, नक्सली परिवार की महिलाओं को कौशल से संबंधित है। हमारा अगला क्वेश्चन आ रहा है, या एक चीज और, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताएंगे हमारे तकनीक एवं कौशल विकास के राज्य मंत्री कौन है। जी हाँ, मध्य प्रदेश सरकार में तकनीक एवं कौशल विकास के राज्य मंत्री कौन है, कॉमेंट सेक्शन में आपका आंसर आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए जो है, एक ऐप है, इस ऐप का नाम है फसल गिरदावरी ऐप। जी हाँ, एक एप्लीकेशन है जिसका नाम है फसल गिरदावरी ऐप। इस एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया है हमारी मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा, और ये एप्लीकेशन लॉन्च की गई है हमारे पटवारियों के लिए। जी हाँ, जो हमारे फ्यूचर पटवारी आप लोग बनने वाले हैं, उनके लिए ही एप्लीकेशन लॉन्च की गई है। जैसा कि पटवारी को हमेशा अपने पास एक बस्ता रखना होता है जिसमें खसरा होता है कि कितना क्या हुआ, फसल कितनी उगाई गई, कितनी काटी गई, लेकिन अब सब कुछ अपग्रेडेशन हो रहा है, डिजिटल मीडिया हो रहा है, सब कुछ डिजिटल है, तो क्यों ना मध्य प्रदेश सरकार पीछे रह जाए। इसीलिए एप्लीकेशन लॉन्च की गई है जिसका नाम है फसल गिरदावरी ऐप। कोई आपको बस्ता नहीं रखना है, आपको सारे डिटेल जो है इस एप्लीकेशन के अंदर स्टोर रखनी है, और रियल टाइम में इन सारी चीजों को मॉनिटर करेगी एमपी गवर्नमेंट। इस चीज को याद रखें। हमारा अगला क्वेश्चन आ रहा है, एक स्टैच्यू है, जैसे कि कल हमने झलकारी बाई के स्टैच्यू को अनवील करवाया था, वैसे आज एक और स्टैच्यू हम अनवील करवा रहे हैं जिसका नाम है दीनदयाल उपाध्याय। जी हाँ, दीनदयाल उपाध्याय जी की जो स्टैच्यू है, इसका उद्घाटन किया गया, इसको अनवील किया गया, और ये हुआ आपके लाल घाटी भोपाल के अंदर। ये इम्पोर्टेंट क्यों हो जाता है, ये इम्पोर्टेंट इसीलिए हो जाता है, अमित शाह जी ने इसका खुद उद्घाटन किया, माननीय मुख्यमंत्री भी यहाँ पर अवेलेबल थे, और सारे जो माने माननीय गण है वो यहाँ पर उपस्थित थे। अब आप मुझे ये और बताइए कि अमित शाह का संबंध किस पार्टी से है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ रहे हैं, और हमारा अगला क्वेश्चन है, कल हमने एक समिट डिस्कस की थी, अगेन एक और समिट आ गया, इंडिया आसियान यूथ समिट। जी हाँ, एक समिट है जिसका नाम है इंडिया आसियान यूथ समिट। तो सबसे पहले क्वेश्चन, फिर हम बात करेंगे डिटेल्स पर। इंडिया आसियान यूथ समिट कहां पर हुआ, तो आप याद रखना इसका आंसर है भोपाल में ये समिट हुआ, और ये 5 दिन का समिट था, 5 डेज समिट था। बेसिकली ये है क्या, आसियान एक ग्रुप है जिसका फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। जी हां, यानी दक्षिण पूर्व में आने वाले एशियाई देशों का संगठन जो है वो आसियान है, और भारत और आसियान के रिश्तों को मजबूती प्रदान करने के उद्देश्य से यूथ समिट भोपाल में आयोजित करवाया। उम्मीद है आपको याद होगा 69 रिपब्लिक डे पर आसियान के 10 राष्ट्राध्यक्ष हमारे हिंदुस्तान में आए हुए थे, हमारे चीफ गेस्ट बने थे। ये वही आसियान है जिसके साथ इंडिया के रिलेशनशिप को एक बड़ा डिकैट पूरा हुआ है, और इसीलिए हमने उन्हें यहाँ पर बुलाया था। तो इसी कड़ी में ये हमारा अगला क्वेश्चन था। अब हम अगली चीज पर आते हैं, एक है मेला, ये बहुत ही फेमस मेला है, लेकिन उससे भी ज्यादा ये कॉन्ट्रोवर्शियल मेला है। इसका नाम है गोटमार मेला। जी हाँ, गोटमार मेला आपसे पूछा जाएगा ये कहाँ मनाया जाता है, तो ऑफकोर्स एमपी का है तो एमपी में ही मनाया जाता है, लेकिन कहाँ ये मनाया जाता है, पांडूर्णा गांव में। ये है क्या, एक नदी है, बेसिकली एक नदी है जाम नदी, जिसमें एक तरफ है सबर गांव, और उसके दूसरी तरफ, नदी के दूसरी तरफ है बंधूर्णा गांव। ठीक है, एक तरफ है सबर गांव, दूसरी तरफ है बंधूर्णा गांव। जाम नदी में बीचों बीच झंडा लगा दिया जाता है, और दोनों गांव के जो लोग हैं वो अपने अपने गांव की तरफ खड़े हो जाते हैं, और जैसे ही शुरुआत होती है सुबह की, दोनों में इस बात का युद्ध शुरू हो जाता है कि जाम नदी से वो झंडा कौन लेके जाएगा, और जो भी उस झंडे को अपने घर ले जाता है, अपने गांव ले जाता है, गोटमार का मेला वो जीत लेता है। लेकिन लास्ट ईयर ये बहुत ही ज्यादा कॉन्ट्रोवर्शियल हो गया, और इसी में सीपीआरसी के 144 सेक्शन के तहत इसमें कुछ कुछ चीजों को करना पड़ा, जो कि एक मजबूरी बन गई थी। वेल, हम आगे बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। आपके लिए अगला क्वेश्चन है,
कौन सा देश है जो मध्य प्रदेश के किसानों को फ्लावर्स यानी फूल, ऑरेंज यानी कि संतरे के फार्मिंग में ट्रेनिंग देगा? भारत, ठीक है, भारत। भारत में कौन सा राज्य? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश को कौन सा देश है जो फ्लावर्स और ऑरेंज फार्मिंग में ट्रेनिंग देगा? तो आपका आंसर होगा इसराइल। जी हाँ, इसराइल जो है भारत से बहुत अच्छे रिश्ते रख रहा है और इसी कैटेगरी में इसका लाभ मिल रहा है हमारे प्यारे एमपी को, मध्य प्रदेश के किसानों को, फ्लावर्स और ऑरेंज फार्मिंग की ट्रेनिंग देगा इसराइल। इसराइल से रिलेटेड क्वेश्चन हमने कल डिस्कस कर लिए थे इसलिए हम उन पर नहीं जाएंगे, लेकिन आप मुझे ये बताएंगे कि इसराइल में एक खास प्रकार की सिंचाई होती है, एक खास प्रकार का इरिगेशन होता है, उसका नाम क्या है? मैं कमेंट सेक्शन देखूंगी जरूर। अगला क्वेश्चन हमारा आ रहा है, सबसे ज्यादा सोयाबीन मध्य प्रदेश में होता है इसीलिए इसे सोया स्टेट कहते हैं, ये हम सब जानते हैं, लेकिन मध्य प्रदेश का कौन सा रीजन है, कौन सा क्षेत्र है जिसमें 20% सोयाबीन होता है? जी हाँ, जितना सोयाबीन होता है उसका 20% मध्य प्रदेश के किस हिस्से में होता है? तो द राइट आंसर इज मालवा रीजन। आपने पूछा जाए मध्य प्रदेश के किस हिस्से में सबसे ज्यादा 20% सोयाबीन का उत्पादन होता है, तो द राइट आंसर इज मालवा। अगर हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं जो हमारा अगला क्वेश्चन है, आपसे पूछा जाए दुनिया में सबसे ज्यादा सोया उत्पादन करने वाला देश कौन सा है, तो आंसर क्या होगा? इंडिया। अरे नहीं, बिल्कुल नहीं, इसका आंसर होगा ब्राजील, और ब्राजील की कैपिटल है ब्रासिलिया, यहाँ की करेंसी है रियल, REAL, रियल, ध्यान से लिखिएगा बिकॉज रियल अलग है एंड रियल अलग है। दूसरी चीज, ब्राजील में 2016 में कुछ हुआ था, कुछ बहुत बड़ा हुआ था, और वहां पे वुमेन्स ने इंडिया का नाम बहुत रोशन किया था। आप मुझे ये बताएंगे कि 2016 में ब्राजील में क्या हुआ था, और हिंट ये है कि 2020 में जापान में वही चीज होने वाली है, वेट करते हैं आपका। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं गाइस एक और सोया से रिलेटेड क्वेश्चन आ रहा है, एक डिसीज है येलो मोसैक, दैट इज येलो मोसैक। येलो मोसैक डिजीज का संबंध जो है वो सोयाबीन की फसल से है। कई बार ये क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि येलो मोसैक जो है वो किस एग्रीकल्चर में या किस प्रकार की खेती में लगने वाला रोग है, तो आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर होगा सोयाबीन। क्लियर, ये सबसे ज्यादा डिसीज है जो सोया की फसलों को खराब करती है, हमारे किसान भाई बंधु इस बात से बड़े परेशान रहते हैं। हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, और हमारा अगला क्वेश्चन है, ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, मतलब भारत में आधार इंसानों का तो है ही, लेकिन मध्य प्रदेश सरकार एमपी के 90 लाख जानवरों का भी आधार बनवाने वाली है। अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सा राज्य है जो अपने 90 लाख जानवरों का आधार कार्ड बनवा रहा है, ताकि अगर वो किसी पड़ोसी राज्य में चले जाए या घूमते फिरते भोपाल से इंदौर चले जाए या इंदौर से हरदा निकल जाए, तो उन्हें पकड़ा जा सके कि ये जो आधार वाला पशु है भोपाल का है या इंदौर का है। तो आप याद रखिएगा, मध्य प्रदेश सरकार 90 लाख पशुओं का आधार बनवा रही है, जिसमें 84 लाख गाय शामिल है। इसमें होगा क्या, अगर प्रैक्टिकल वे में बात करें तो होगा क्या, इसके अंतर्गत उस पशु उस जानवर की पूरी स्कैनिंग की जाएगी, स्कैनिंग करने के बाद उनके कान में येलो चिप लगाई जाएगी, इस येलो चिप से ट्रैक किया जाएगा कि वो जो पशु है वो कहां से और वो किस व्यक्ति को बिलोंग करता है। इसका बजट याद रखिएगा, 2 साल के अंदर इस सारी चीजों को इम्प्लीमेंट करना है और बजट होगा 13 करोड़ का। अगली चीज पर बढ़ते हैं, मध्य प्रदेश सरकार ने एक टारगेट फिक्स किया, ये टारगेट है कि वर्ष 2018 यानी जो हमारा रनिंग ईयर चल रहा है, इस रनिंग ईयर में मध्य प्रदेश सरकार शहरों में रहने वाले गरीब यानी अर्बन पुअर के लिए 5 लाख हाउस बनाने वाली है। तो आपसे पूछा जाए कि मध्य प्रदेश सरकार ने एक टारगेट निश्चित किया है 5 लाख अर्बन पुअर के लिए घर बनाने का, हाउस बनाने का, ये कब तक इम्प्लीमेंट होगा? सो द राइट आंसर इज 2018। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, ये तो हो गई अर्बन पुअर की बात, अब बात करें रूरल पुअर की यानी जो गांव में रहते हैं गरीब उनकी, तो डियर 15 लाख रूरल पुअर के लिए 2018 में 15 लाख रूरल पुअर के लिए 2018 में मकान बनाए जाएंगे, घर बनाए जाएंगे। हमारा अगला क्वेश्चन आ रहा है, मध्य प्रदेश सरकार ने एक टारगेट, एक ईयर निश्चित किया है कि गरीबी मुक्त या भ्रष्टाचार मुक्त मध्य प्रदेश कब तक होगा? जी हाँ, गरीबी मुक्त मध्य प्रदेश, भ्रष्टाचार मुक्त मध्य प्रदेश कब तक होगा? तो ये जो डेट है, ये जो डेडलाइन है, वो है 2022। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन है,
एक अवार्ड फंक्शन हुआ था 27 सितंबर को हम मनाते हैं वर्ल्ड टूरिज्म डे, यानी विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है, 27 सितंबर को। और 27 सितंबर के दिन एक फंक्शन हुआ था नई दिल्ली के अंदर, उसमें काफी सारे राज्यों को अवार्ड डिस्ट्रीब्यूट किए गए। और एक अवार्ड था कि किस राज्य ने सबसे अच्छी बुक का पब्लिकेशन किया हिंदी कैटेगरी में, और सबसे अच्छी बुक का पब्लिकेशन करने के लिए मध्य प्रदेश को अवार्ड मिलता है, और ये बुक थी सिंहस्थ। जी हाँ, सिंहस्थ 2016 जो था उसमें जितनी भी खूबसूरत चीजें थी, जैसे मंदिर, वहां का कल्चर, वहां का आर्ट, इन सारी चीजों को इस बुक में दिखाया गया। इसे ना सिर्फ नेशनल बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर भी काफी सराहा गया। इसीलिए याद रखना, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि नेशनल अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन हिंदी, नेशनल अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन हिंदी किस राज्य को मिला, तो आपका आंसर क्या होगा, मध्य प्रदेश। अगर वो आपसे पूछते बुक कौन सी थी, तो याद रखिएगा सिंहस्थ 2016। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किस राज्य को या किस राज्य की सरकार को हॉल ऑफ फेम, वर्ल्ड टूरिज्म डे के दिन हॉल ऑफ फेम किस राज्य की सरकार को मिला, तो आपका आंसर होगा एग्जैक्टली आपका प्यारा अपना मध्य प्रदेश। और इस अवार्ड को ग्रहण किया था हमारे पर्यटन मंत्री श्री सुरेंद्र पटवा जी ने। तो यहाँ से एक क्वेश्चन इंडिविजुअल बन गया कि मध्य प्रदेश के पर्यटन मंत्री कौन है, तो आपका आंसर होगा जी हाँ, सुरेंद्र पटवा जी। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम, और हमारा अगला क्वेश्चन है जी, 27 सितंबर को जो वर्ल्ड टूरिज्म डे हुआ था उस दिन बेस्ट टूरिज्म स्टेट का अवार्ड किसे मिला, यानी बेस्ट टूरिज्म स्टेट वो कौन सा राज्य है जो सबसे अच्छा है टूरिज्म के लिहाज से, तो ये सबसे अच्छा राज्य हमारा प्यारा एमपी। और ये अवार्ड एमपी को कोई पहली बार नहीं बल्कि तीसरी बार मिला है। एमपी में रहने पर कई बार बहुत प्राउड होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है एक स्कीम से, और ये स्कीम बहुत इंटरेस्टिंग है, आओ भैया तुम्हें सैर कराऊं। जी हाँ, ये मध्य प्रदेश सरकार की एक स्कीम है जिसका नाम है आओ भैया तुम्हें सैर कराऊं। इस स्कीम का उद्देश्य है महिलाओं को एम्पावर करना कि अगर उन्हें घर से बाहर सब्जी लेने के लिए निकलना है तो वो अपने भाई पर, अपने पिता पर, किसी पर डिपेंड ना रहें, वो ऑटो ना करें, रिक्शा ना करें, बल्कि खुद अपनी स्कूटी चलाएं और निकल जाएं। इसी कैटेगरी में मध्य प्रदेश सरकार ने महिलाओं को मुफ्त लाइसेंस देने का फैसला किया, और मध्य प्रदेश में महिलाओं के लाइसेंस का कलर है पिंक, ये भी याद रखिएगा। इसी के साथ ये स्कीम लॉन्च की गई थी भाई दूज, यानी दिवाली के बाद जो भाई दूज आती है उस दिन, ताकि महिलाएं ज्यादा से ज्यादा एनकरेज हो, उनके भाई उन्हें ये तोहफा दें कि आओ बहना मैं आपका लाइसेंस बनाऊं फिर आप मुझे सैर कराएं। ये काफी इंटरेस्टिंग है। वेल, अगले क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं, और हमारा अगला क्वेश्चन है एक और स्कीम है जिसका नाम है ऑपरेशन ड्राइविंग शौर्य। हमारी अगली स्कीम है ऑपरेशन ड्राइविंग शौर्य। ये स्कीम 1 नवंबर से 8 मार्च तक के लिए थी, 1 नवंबर से 8 मार्च। ये कैंपेन था बेसिकली, इस कैंपेन का उद्देश्य था महिलाओं को ड्राइविंग प्रोफेशनलिज्म वे में अपनाने पर। यानी महिलाएं, अभी तो हमने डिस्कस किया कि आपको सब्जी लेने जाना है तो जाइए, लेकिन अगर ऐसा हो कि महिलाएं खुद से कार चलाएं, महिलाएं खुद से बाइक राइड करें और दूसरी महिलाओं को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाएं, जैसे पुरुष ड्राइवर होते हैं वैसे महिलाएं ड्राइवर क्यों ना हो, ये प्रोफेशन महिलाओं का क्यों ना हो, इसी कैटेगरी में महिलाओं के लिए सरकार ने लॉन्च किया ऑपरेशन ड्राइविंग शौर्य, ताकि महिलाएं ज्यादा से ज्यादा ड्राइविंग को अपना प्रोफेशन अपनाएं और मध्य प्रदेश की तरक्की में योगदान दें। तो दोस्तों, ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इसके अलावा एक और चीज जो मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज आपका एक नोटिफिकेशन आने वाला है। नोटिफिकेशन का ऑलरेडी विज्ञापन आ चुका है दैनिक भास्कर पेपर में, जो आज सुबह आया था, और ये विज्ञापन है ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 का, जो एक पर्टिकुलर वैकेंसी थी जिसका हम काफी टाइम से वेट कर रहे थे, इसका विज्ञापन आ चुका है। और इसके लिए जो एक्चुअल में नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा वो आज शाम तक जारी हो जाएगा। तो आज शाम को आप पीईबी की वेबसाइट जो है चेक कर सकते हो, हमारा चैनल चेक कर सकते हो, जिसपे एक्चुअल नोटिफिकेशन पूरा आ जाएगा। इसके अलावा अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, बैंक, एसएससी, एमपीपीएससी, रेलवे, व्यापम, कोई भी एग्जाम हो, अगर आप इसकी तैयारी कर रहे हो तो आप इन नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हो, हमारी ब्रांच में एडमिशन ले सकते हो। और इसके अलावा अगर आप रेलवे की टेस्ट सीरीज परचेज करना चाहते हो तो आपको रेलवे की टेस्ट सीरीज सिर्फ 99 रुपीज के प्राइस पे अवेलेबल है, जो कि आप हमारी वेबसाइट पे जाके परचेज कर सकते हो। तो मिलते हैं हम आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।